145 मीरा भयंदर विधानसभा से आज कांग्रेस पक्ष की तरफ से लोकशाही विकास आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार बनके मैंने अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है और मुझे इस बात की खातरी है कि इस विधानसभा क्षेत्र से जनता जो है भू मतों से भारी मतों से मुझे चुन करके भेजेगी। क्या आपकी लड़ाई किससे होगी यहाँ पर? जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी का, ये सीट उनके खाते में है, उन्हीं के साथ होगी। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जाएंगे वोट मांगने? इस शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और अन्याय का एक वातावरण है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं ये विधानसभा के क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार करके आया हूँ। जनता पे जो अन्याय और अत्याचार और भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे इस भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ में लड़ने के लिए पूरा साथ देंगे। कौन कौन से राजनीतिक दलों का आपको समर्थन मिला हुआ है? महाराष्ट्र के स्तर के ऊपर जो भी हमारे अलायंस पार्टनर हैं, NCP है, RPI कवाड़े गठ है, गवई गठ है, शेखा पक्ष है, PWP, बहुजन विकास आघाड़ी है, समाजवादी है और उसके साथ ही में जो छोटे अन्य घटक पक्ष हैं जो लोकशाही आघाड़ी के अंदर साथ में है, वो सारे पक्षों का मुझे समर्थन यहाँ पे हासिल है जनता दल का। थैंक यू। 145 मीरा भयंदर विधानसभा मतदार संघ में मैं आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व सर्व लोकशाही विकास आघाड़ी चा अधिकृत उम्मीदवार म्हणून मी या ठिकाणी उम्मीदवारी दाखल केलेली आहे। या शहरामध्ये या मतदारसंघात भ्रष्टाचार आणि अन्याय याच्या विरोधामध्ये ही लढाई आहे आणि मला खात्री आहे की लोक मला पूर्ण ताकदीने या विषयामध्ये मदत करतील आणि निवडून देतील। उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे, काय आपली पहिली प्रतिक्रिया आहे? 145 मीरा भयंदर विधानसभा कांग्रेस राष्ट्रवादी या विधानसभा मतदारसंघातील भ्रष्टाचार आणि अन्यायाच्या विरोधामध्ये ही लढाई आहे आणि मला खात्री जरी लढाई काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आहे परंतु पूर्व महापौर गीताजींसुद्धा अपक्ष निवडणूक लढणार आहेत, याचा फायदा आहे की नफा आहे तुम्हाला? देशामध्ये लोकतंत्र आहे, ज्याला पाहिजे तो उमेदवारी दाखल करू शकतो। आघाडीकडनं आता फायदा नुकसान ही जनता ठरवते, जनता जनार्दन आहे। कोणकोणत्या मुद्द्यावर तुम्ही जनतेत जाणार आहेत, कोणते कोणते विकास कामं आणि काय काय मुद्द्यांसमोर तुम्ही जनतेला मत मागणार? 63 टोलला का हटाओ, मीरा रोड लोकल चालू करो, भयंदर महिला स्पेशल बढ़ाओ, भयंदर लोकल बढ़ाओ, गार्बेज पे जो डबल टैक्स लगा है ते हटाओ, पानी समस्या मिली है ते सॉल्व करो, सब भरपूर शहर में मुद्दे हैं करना चाहे यामध्ये आरक्षित जमिनीवरती जे अतिक्रमण झालं त्याबद्दल काय करणार? हे आपल्याला पहिलं सांगितलं जे भ्रष्टाचार आणि अन्याय या शहरामध्ये आहे त्याच्या विरोधातली ही लढाई आहे, त्याच्या विरोधातली लढाई लढण्यासाठी मी उभा आहे। ओके, थँक्यू सर।